कायदे आजम के चंद अल्फाज तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं सुना दूं। टीबी के जब मरीज थे और आखिरी दिन थे जिंदगी के, लाहौर से मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, हमारे प्रिंसिपल होते थे इलाही बख्श साहब, उन्हें भी बुलाया गया था इलाज के लिए, और जो टीबी के अमराज के स्पेशलिस्ट थे प्रोफेसर रियाज अली शाह, उन्होंने फिर एक अपने इंटरव्यू के अंदर बताया कि उस वक्त के हालात क्या थे। हालत यह थी इतने कमजोर कि जरा दो चार जुमले बोलते थे तो सांस उखड़ जाता था, तो हमने पाबंदी लगा रखी थी कि आप गुफ्तगू ना करें। हम पास ही बैठे थे, कोई नई दवा हमने शुरू की थी तो हम उसके असरात देख रहे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि कायदे आजम बार बार जैसे उनकी जबान पर कुछ आना चाहता है फिर वो चुप हो जाते क्योंकि हमने रोका हुआ है। तो हमने कहा ये अंदरूनी कश्मकश तो ज्यादा खराब करेगी, तो हमने कहा कायदे आजम फरमाइए क्या फरमाना चाहते। अब ये जो फरमाया है वो सुन लीजिए, तुम जानते हो जब मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान होता है। ये मुश्किल काम था और मैं अकेला इसे कभी नहीं कर सकता था। मेरा ईमान है कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज है कि पाकिस्तान वजूद में आया। अब ये पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वह उसे खिलाफत राशदा का नमूना बनाए ताकि खुदा अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को पूरी जमीन की बादशाहत दे। मैं हैरान होता हूं कि कायदे आजम के इल्म में वो अहादीस थी जिनमें हुजूर ने खबर दी है कि कयामत से कबल पूरी दुनिया में इस्लाम का निजाम कायम होगा। यह हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी हदीस है, सही मुस्लिम में है। हुजूर ने फरमाया इन्ना अल्लाह ज़वाली अल-अर्ज़, अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को लपेट दिया। फराए तो मशारे कहा व मगारे बहा, मैंने उसके सारे मशरक भी देख लिए, सारे मगरब भी देख लिए। व इन्ना उम्मती सैयब लोगो मुल्कु हा माजोए अली मिनहा, और मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे अल्लाह ने जमीन को लपेट कर दिखा दिए। ये हदीस बहराम। और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले, नाज इतना न करें हमको सताने वाले। टेबल्स विल बी टर्न्ड और गलबा बिल आखिर इस्लाम का होगा, और उसी गलबे का नुक्ते आगाज पाकिस्तान शुमार होगा तारीख के अंदर। चमन के माली अगर बना ले मुआफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार। अब भी